आता है और बोलता है, चल नगमा मेरा किराया निकाल, वैसे भी परसों ईद है, अगर तुम्हें दुकान पर काम करना है तो मेरा किराया भी टाइम पर दे दिया करो, समझी, वरना दुकान खाली करवा दूंगा तुमसे। मधुवन नाम के जंगल में एक नगमा नाम की चिड़िया की चूड़ियों की दुकान थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी नगमा ज्यादा कुछ नहीं कमा पाती थी। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से कम पैसे कमा पाती थी। नगमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी वो भी किराए पे ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती उसमें से कुछ रुपये किराए के लिए भी रखने पड़ते थे और ऊपर से उसको घोंसले का किराया भी देना पड़ता था। नगमा के परिवार में उसका बेटा सलीम और बेटी सलमा थे। उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनका पालन पोषण करना। अब एक दिन सुबह सुबह नगमा अपनी दुकान पर जा ही रही थी, तभी उसकी लड़की बोलती है, अम्मी परसों तो ईद है, मेरे लिए ईद पर क्या लाओगी? मुझे अब की बार इस ईद पर बिल्कुल रजिया जैसा सूट चाहिए। रजिया की अम्मी ने तो उसे पहले से ही गिफ्ट में दे दिया है। उसका सूट बहुत सुंदर है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सूट चलवा लेने वाली, अम्मी तो मेरे लिए बैट बॉल लाएंगी, देखना तो अम्मी और परसों को ईदी भी मुझे ही देगी, समझी कुछ तो? अच्छा तुम दोनों आराम से खेलो। यह कहकर नगमा आराम से दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पे बैठे बैठे अल्लाह से कहती है, या अल्लाह मैं ही शायद अपनी औलाद को समय पर खुशी नहीं दे पा रही हूँ, मेरी गरीबी मेरे बच्चों के आड़े आ रही है, क्या करूँ अल्लाह, कोई तो फरिश्ता भेजो मेरी मदद के लिए, थोड़ा तो रहम करो अपने खुदा। नगमा भले ही गरीब थी फिर भी वह अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वह पहले मस्जिद जाती थी फिर बाद में अपनी दुकान पर जाती थी। वह डेली ही मस्जिद जाया करती थी। एक दिन वह अपनी दुकान पर काम ही कर रही थी तभी वहां दुकान का मालिक कल्लू मियां आता है और बोलता है, चल नगमा मेरा किराया निकाल, वैसे भी परसों ईद है, अगर तुम्हें दुकान पर काम करना है तो मेरा किराया भी टाइम पर दे दिया करो, समझी, वरना दुकान खाली करवा दूंगा तुमसे। अरे कल्लू भाई जान, मेरा इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है, इस बार तो घर का किराया भी चुका नहीं पाई हूँ मैं, आप और यहाँ किराया लेने आ गए। देखो नगमा, इस वास्ते मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने किराए से मतलब है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं फिर से आऊंगा किराया लेने, समझी कुछ तू? कैसे भी करके मेरे पैसों का इंतजाम करके रखना, अब तो मैं जा रहा हूँ। कल्लू मियां यह कहकर चला जाता है और उधर नगमा भी मायूस होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े यह बताइए यह कितने ऑरेंज हैं, जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए। और बेचारी नगमा पूरी रात सोचने में रहती है कि कल कल्लू मियां आएगा और फिर से अपना किराया मांगेगा, मैं कहां से दूंगी? अल्लाह परसों ईद भी है, मेरे बच्चे अपनी अपनी ईदी मांग रहे हैं, या अल्लाह कोई तो चमत्कार करो।
नगमा अल्लाह को याद करते करते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी दुकान के लिए निकल जाती है। वह हर रोज की तरह मस्जिद में जा ही रही थी। जब वह मस्जिद के पास जाती है, वह देखती है कि मस्जिद के वहाँ एक चिड़िया बेहोश पड़ी थी और उसके साथ बच्चा भी था। वह रो रहा था, अल्लाह यह बाजी कौन है, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। फिर नगमा उस बीमार चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब्दुल भाई जान, देखना इन बाजी को क्या हुआ है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है इन्हें देखकर। तभी वह डॉक्टर उसे देखता है और बोलता है, देखो नगमा बहन, तुम इन्हें सही समय पर ले आई हो। इनका गर्मी के कारण बीपी हाई हो गया था, अब यह ठीक है। तभी उस बीमार चिड़िया को होश आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आई। फिर वह डॉक्टर उस चिड़िया को सारी बातें बताता है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने भाई जान, मुझे सब याद है कि मैं बेहोश हो गई थी। अरे बहन, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुम्हें तो आज मेरी जान बचा ली। या अल्लाह, ना जाने क्या होता वरना मेरा और मेरे बच्चे का। तभी वहाँ उस बीमार चिड़िया का सोहर आ जाता है। वह वही था जिसके किराए की दुकान पर नगमा अपनी चूड़ियाँ बेचती थी। अरे बेगम, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो बेगम? हाँ, अगर आज ये बाजी नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। इन्होंने सही वक्त पर मुझे यहाँ लाकर मेरी जान बचा ली, और देखो हमारा बच्चे का भी कितना ध्यान रखा इन्होंने। और तभी वह कल्लू मियाँ उस नगमा से बोलता है, नगमा बहन मुझे माफ कर दो ना जाने मैंने तुमसे कैसा कैसा व्यवहार किया है, और तुमने तो मेरी पत्नी की जान बचाई है और मेरे बच्चों का ध्यान भी रखा है कितने अच्छे से। अब मैं आज के बाद तुमसे कभी भी दुकान का किराया नहीं लूंगा, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। और कल्लू मियां नगमा को कुछ पैसे भी देता है। अरे रख लो नगमा बहन, तुम्हारे काम आएंगे। तुम वैसे भी कह रही थी कि तुम्हारे इस महीने कमाई नहीं हुई है, और कल तो वैसे भी ईद है। तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना ताकि उनकी ईद अच्छे से बन जाए। फिर नगमा उन पैसों को रख लेती है। और अगले दिन सुबह सुबह, ला बच्चा तुम्हारी ईद और तुम दोनों को ईद मुबारक, अब तो खुश हो ना तुम दोनों। फिर वहाँ कल्लू मियाँ और उसका परिवार आ जाता है ईद मनाने। फिर वे सभी अच्छे से मिलजुल कर ईद मनाते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना।